आज आप लोगों का मैं एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 9 यानी चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जो आपके पास चैप्टर नंबर 9 से ऑनवर्ड चैप्टर्स हैं, ये ज्यादातर थ्योरम्स के हैं। इसमें दो चैप्टर और भी आपके पास डिफरेंट, लेकिन थ्योरम से रिलेटेड ज्यादातर यहाँ पर चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर नंबर 9 इंपॉर्टेंट थ्योरम के हवाले से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे हम बात कर रहे हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा है एमसीक्यू बेस्ड है कि अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, यहाँ पर ट्राइंगल बनी हुई है, आपसे कहा है एंगल एफ इज इक्वल टू क्या होगा। आपके पास ये जो सिंबल बना हुआ है दोनों ट्राइंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंट का, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सिमिलर। अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे एक ट्राइंगल है तो वो सिमिलर होगी राइट साइड वाली ट्राइंगल के। अगर आपके पास एंगल ए 120 है और एंगल डी भी 120 है तो आपने पढ़ा हुआ है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, एंगल अगर एक सेम है दो साइड बराबर है तो पूरी ट्राइंगल बराबर होगी। तो यहाँ पर एंगल बी नहीं पूछा, एंगल एफ पूछा है। एंगल बी और एंगल ई दोनों 30 होंगे, बेशक एंगल ई मेंशन नहीं है लेकिन वो 30 होगा। सिमिलरली एंगल एफ निकालने के लिए आपने आइडेंटिटी फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल मेरे पास 120 और 30 है, इनको सम कर लें, 120 प्लस 30 आपके पास 150, 150 को माइनस करवा दे 180 में से तो 180 माइनस 150 आंसर 30 आएगा। तो एंगल एफ आपके पास ये भी 30 डिग्री होगा। तो एंगल एफ आपका यहाँ जो बोला इज इक्वल टू ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे ट्रू फॉल्स के। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है आइडेंटिफाई करें कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है। फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं चार कोने वाली डायग्राम को। तो क्वाड्रिलेटरल में आपके पास स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सारे क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। इन सब एंगल्स का अगर आप सम कर लेंगे तो आपके पास 360 ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, ट्रू है। आपके पास सम ऑफ ऑल एंगल्स अगर चार कोने हैं, हर कोना आपका 90-90 स्क्वायर की बात करें तो 90 प्लस 90 चारों ऐड कर दें तो आपके पास 360 आंसर आता है। पैरेललोग्राम के अंदर भी ऐसी है, जितने एंगल है सब ऐड करते हैं, रेक्टेंगल में भी सब ऐड करते हैं, आपके पास आंसर सबको सेम ही आएगा। नेक्स्ट आपसे कहा है द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 270 डिग्री। तो अभी मैंने फर्स्ट जो एमसीक्यू उसको डिस्कस करते हुए कहा था, तो जाहिर है सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री के बराबर होता है ट्राइंगल का, तो ये बात आपकी गलत है। नेक्स्ट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजरमेंट। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल्स है वो सारे सेम होते हैं, अगर 60 है तो सारे 60 होंगे, तो ये बात दुरुस्त है। एक एंगल 60 है तो बाकी दोनों भी 60 ही होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की एग्जाम्पल के मुताबिक ये बात दुरुस्त है, ट्रू हो गया। नेक्स्ट आपके पास है देर आर टू राइट एंगल्स इन अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो ये बात गलत है, दुरुस्त नहीं है, आपके पास यहाँ पर फॉल्स होगा। आपके ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का हो सकता है एंगल, जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, दो या दो से ज्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट आपके पास है इन एन आइसोसेलस ट्राइंगल corresponding angles and corresponding sides are equal in measure। आपके पास जो isosceles triangle है उसके मुताबिक यहाँ पर कहा है आपसे कि जो corresponding angles और corresponding side आपकी ये equal होती है मेजर में, तो isosceles triangle में दो साइड इक्वल होती है और दो एंगल्स भी उनके इक्वल होते हैं, तो ये बात आपकी सही है। corresponding angle का मतलब जहां पर आपके पास एंगल बना है उसकी साइड ले और जो उसके अपोजिट साइड आ रही है वो भी उसकी साइड और उसके एंगल सेम है, तो यहाँ पर आइसोसेलस ट्राइंगल के अंदर ये बात दुरुस्त हो जाती है। और मेरे ख्याल से इस तरह का आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ भी है। तो फिफ्थ आपके पास ये है आइसोसेलस ट्राइंगल और ये आपने चैप्टर 16 में इसका कॉन्सेप्ट सीखा था, ये एग्जैक्ट लाइन वहां पर मौजूद है, तो ये आपका बराबर ट्रू था। नेक्स्ट आ जाए लिंदी ब्लैंक्स। लिंदी ब्लैंक में आपसे कहा है कि आपके पास फर्स्ट में कहा है इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर ट्राइंगल बी ई एफ ए सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू। आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, आप बेशक ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहें ड्रॉ कर ले, और दूसरा आप डी ई एफ कह रहे हैं, तो आपसे कहा है ए सी लाइन किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी। तो ए सी लाइन अगर आपका दिल चाहता है ड्रॉ करने का ड्रॉ कर लें, अदरवाइज ये लाइन आपकी डी एफ लाइन को कॉरेस्पॉन्ड करेगी। अब यहां पर अगर ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी, तो आपके पास ट्राइंगल डी ई एफ, ए की जगह डी और फिर ये ई और ये एफ, तो अगर ए सी साइड पूछी है तो आपके पास डी एफ साइड होगी, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है, कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल है। तो इसका मतलब जहां ए है वहां डी, जहां सी है वहां एफ, तो आपके पास ए सी साइड बराबर होगी डी एफ साइड के। तो फर्स्ट में आपका आंसर सिंपल सा है कि आपने ए सी कॉरेस्पॉन्ड कर रही है डी एफ के। नेक्स्ट उसी तरीके से ट्राइंगल आपके पास है के एल एम और पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल आपसे कहा है आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, तो एंगल एम के एल
MKL, अगर मैं इसी ट्राइंगल को दोबारा से रीनेम कर दूं, तो यहां पे मैंने ट्राइंगल एक बनाई है KLM और कॉरेस्पॉन्डेंस विथ ट्राइंगल PQR, तो आपके पास ट्राइंगल PQR जिस तरीके से बनाई है KLM उसी तरीके से बनी हुई है। आपसे कहा है एंगल MKL, ये वाला एंगल बोला जा रहा है एंगल K, तो एंगल K आपके पास जिस तरीके से यहां पर गिवन है उसी तरीके से आप PQR के लिए क्या होगा, RPQ। तो आंसर आपके पास एंगल P लिखने के बजाय आप लिए एंगल RPQ, तो आंसर जिस तरह यहां पर आपके पास MKL एंगल गिवन है उसी तरीके से आंसर में आपने लिखना है एंगल RPQ। तो ये सिंपल से आपके पास एंगल है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपसे कहा है इन एन आइसोसेलस ट्राइंगल द बेस एंगल आर, आपके पास आइसोसेलस ट्राइंगल में जो बेस का एंगल होता है वो क्या होता है, तो आपके पास आइसोसेलस ट्राइंगल में जो बेस का एंगल है, बेस का एंगल का मतलब बेस के अपोजिट जो एंगल है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आइसोसेलस ट्राइंगल है तो बेस उसकी ये वाली साइड होती है, इसके अपोजिट जो एंगल होता है वो एंगल ये है। अब ये एंगल आपके पास क्या होता है, तो जो भी आइसोसेलस ट्राइंगल है, अगर एक तरह से आइसोसेलस ट्राइंगल ये बनाइए, बेस आपकी ये है, तो बेस के अपोजिट जो एंगल होता है उसको बेस एंगल कहते हैं। अब किसी भी आइसोसेलस ट्राइंगल में ये दो एंगल्स, ये वाले ये दो एंगल सेम होते हैं, अगर इसको 60-60 ले लें तो ये भी 60 होगा और फिर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। आइसोसेलस के लिए ये दोनों तो इक्वल हो, लेकिन ये आपके पास अनइक्वल होता है। अब अगर मैं यहां पर कोई भी एंगल ले लूं लेस देन 90, क्योंकि आपके पास सम ऑफ ऑल एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री, अगर ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल 10 डिग्री भी कम से कम अगर होंगे, तो 10 और 10 20 माइनस कर दें, तो क्योंकि ये आपके पास आइसोसेलस ट्राइंगल इज अ टाइप ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल की टाइप है ये, आइसोसेलस ट्राइंगल आपके पास एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल की टाइप होने की वजह से यहाँ पर जो एंगल आएगा तीसरे का दैट शुड बी लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन से होते हैं, ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल लेस देन 90 हो, राइट एंगल वो एंगल जिसमें एक एंगल एग्जैक्ट 90 हो, और ऑब्ट्यूस जिसमें एक एंगल मोर देन 90। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी एंगल्स हैं इसमें कोई भी मोर देन 90 नहीं है, तो इस वजह से ये टाइप ऑफ सिंपल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अब उस टाइप की वजह से इसमें जो आंसर आएगा बेस एंगल का, इसमें आप लिखेंगे लेस देन 90। अब वो कोई भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, लेस देन 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सा आपके पास आंसर आएगा कि ऐसा ट्राइंगल, ये जो आइसोसेलस ट्राइंगल है, द बेस एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, इसका आंसर लेस देन 90 डिग्री है। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट आपसे कहा है इफ द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 डिग्री, आपके पास सारे ट्राइंगल के एंगल 60 डिग्री है, देन द ट्राइंगल इज, अभी मैंने ये वैसे डिस्कस कर लिया, आपकी जो ट्राइंगल होगी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल 60 डिग्री हो, यानी कि सब बराबर हो, वो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस, या अपने थ्योरम्स वगैरह आगे मैंने पढ़ाए उसके अंदर पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल राइट एंगल ट्राइंगल ये होती है, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये वाली है, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को आप हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री और कोई भी गिवन एंगल, ये वाली साइड इसके दरमियान बेस होती है, और गिवन एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। ये आपके साथ सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको ये थ्योरम अगर आपने पढ़े हैं तो वहां पर मैंने ये सिखाया है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या हाइपोटेनस वगैरह होता है। फिफ्थ में सिंपल आपके पास इज कॉल्ड हाइपोटेनस, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट आपसे कहा है द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज, आपके पास सम ऑफ मेजर ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, यहाँ पर आपके पास सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर एग्जाम्पल है, एक आपके पास 90 डिग्री है, राइट ट्राइंगल का मतलब ये है एक 90 डिग्री होगा एंगल, और बाकी जो आपके पास दो एंगल्स हैं जाहिर है वो एक्यूट एंगल ही होंगे, एक अगर 90 है तो 90 से बड़ा दूसरा एंगल नहीं हो सकता। राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास अगर ये है एक 90 है तो ये दोनों 90 से छोटे होंगे, तो 90 से बड़ा होगा तो ये इटसेल्फ आपके पास 180 से बड़ा हो जाएगा। किसी भी ट्राइंगल में जो सम ऑफ एंगल्स इंटरनल एंगल्स है वो 180 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो आपके पास इन राइट एंगल ट्राइंगल जितने भी एंगल्स हैं इन सबका सम 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा इस 180 डिग्री, द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया है एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, इस पर कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल आंसर बोला द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, अब वो राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, एक्यूट एंगल हो, कोई भी हो,
सबके सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सिंपल सा आपके पास प्लिंटी ब्लैंक्स का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, आपसे कहा है इन सर्कल द कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स, आपसे एमसीक्यूज बोल दिए हैं। तो एमसीक्यू सिंपल से, फर्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशियंट कंडीशन फॉर अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल हैं, उनको आपने आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी कि उनके जो सिमिलैरिटी है वो बतानी है, साइड्स एंगल सब सिमिलर होंगे तो वो चीज आपने बतानी है। आपसे यहाँ पर कहा है कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, तो आपसे कहा इज नॉट सफिशियंट कंडीशन। तो आप वन बाय वन चेक करेंगे, पहला एमसीक्यू आपसे कहा है साइड और दो एंगल्स ये दोनों के बराबर होने चाहिए, और फिर उसके बाद बी में आपसे कहा है हाइपोटेनस और एक साइड। सेकंड यहाँ पर हाइपोटेनस कहा हुआ है, तो हाइपोटेनस तो यहाँ पर दो हाइपोटेनस होते ही नहीं है पहली बात। सी आपके पास कहा है एक साइड और दो एंगल्स बराबर है, और आपसे डी में कहा है कि तीनों एंगल्स बराबर है, यहां तक तो बात सही है, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो इट्स आप देखते ही आपको अंदाजा होगा ये गलत है। अगर हाइपोटेनस साइड हाइपोटेनस एग्जिस्ट ही नहीं कर, तो ये आपके पास बी इसमें इनसफिशियंट यानी कि गलत कंडीशन है। सिमिलरली नेक्स्ट पे आ जाए, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल बी, यानी दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू एक जैसी है, देन द बाइसेक्टर ऑफ विच एंगल, आपसे डैश बोल दिया कौन सा एंगल, डिवाइड द ट्राइंगल इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आपके पास यहाँ पर बाइसेक्टर ऑफ एंगल अगर ड्रॉ किया जाए तो कौन सा आपके पास एंगल होगा जो कि डिवाइड कर देगा इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये थ्योरम वैसे आपने पढ़ा हुआ है, सेम थ्योरम की यहाँ पर वर्डिंग है, तो जो थ्योरम पढ़ा है उसके मुताबिक दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। एक ट्राइंगल ए बी सी है, एंगल ए और एंगल बी जिसके बराबर है, देन द बाइसेक्टर ऑफ विच एंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये आपने जो पढ़ा है तो उसमें कंडीशन अगर मैं कह रहा हूँ ये ए है और ये बी है, एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, एंगल ए बराबर है एंगल बी के, जाहिर है आइसोसेलस ट्राइंगल नहीं होता है। आपसे कहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन एंगल को बीच में तकसीम करते हुए निकलेगी, बाइसेक्ट कर देगी तो एक राइट एंगल ये बन गया। अगर ये सी है और ये पॉइंट डी ले लूं तो एक ट्राइंगल ए डी सी और दूसरा ट्राइंगल बी डी सी ये बन गया, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो आपके पास कौन सा एंगल होगा जिसको बाइसेक्ट करेंगे, तो बेटा एंगल सी होगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर एंगल सी करेक्ट है, सी ऑप्शन इटसेल्फ। नेक्स्ट आ जाए, द डायगोनल ऑफ विच आपके फिगर डज नॉट डिवाइड, तो आपसे कहा डायगोनल, डायगोनल अब आपके पास हमेशा जो बनेगा वो किसी क्वाड्रिलेटरल का बनेगा, ऑफ विच फिगर डज नॉट डिवाइडेड इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ऐसे कौन सी फिगर है जिसमें आपके पास अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूं तो मेरे पास कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ना बनी। तो आपके पास अगर स्क्वायर है उसको भी आप डायगोनल ले लें तो दो आपके ट्राइंगल बन जाएंगे। सिमिलरली अगर आप रेक्टेंगल ले लें, पैरेललोग्राम ले लें, सब का डायगोनल आपको ट्राइंगल बना के देता है। डायगोनल ड्रॉ करेंगे दो आपके ट्राइंगल बन जाएंगे, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये सारा थ्योरम आप पीछे पढ़ चुके हैं। एक वाहिद ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम शायद मैंने डिस्कस किया हुआ है थ्योरम के जो चैप्टर है उसके अंदर, फिगर बताई हुई है, नहीं बताई तो आप उसको देख लें किताब में बनी हुई। जो ट्रेपेजियम है उसमें अगर डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो आपके पास इक्वल या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं आएंगे, तो ये आपके पास इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट अपने लास्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाए, इसमें आपसे कहा है हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल हर वो ट्राइंगल जिसमें आपके पास एक एंगल लेस देन 90 है, तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू 90 है तो वो एक्यूट नहीं हो सकता। आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया, आपके स्कैलिन ट्राइंगल हो गया, या आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, सारे टाइप ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो कितने एक्यूट एंगल्स आर देयर इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो आपके एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीन एंगल्स एक्यूट होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, आइसोसेलस ले लें या इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें, सारे के सारे एंगल्स लेस देन 90 ही है, तो कोई भी एंगल ले लें वो आपके पास लेस देन 90 है, इस वजह से तीनों एंगल लेस देन 90 होते हैं, और वही बात एक्यूट एंगल में लेस देन 90 होना चाहिए, इसलिए तीनों एंगल्स आपके एक्यूट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। तो ये सिंपल सा आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का काम था आपके चैप्टर नंबर 9 का। क्लियर है यहाँ तक?